लोग डांस के नाम पर राघव को अब कम याद करते हैं, एंटरटेनर के नाम से उनको ज्यादा जाना जाता है। तो ऐसे में वो डांस जज बनकर डेफिनेटली अपनी ये छवि को बदलना चाहेंगे। राघव के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर, डांस प्लस सीजन 7 के जज हो सकते हैं राघव जुयाल। देखिए, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था पुनीत पाठक के बारे में कि अल्लू अर्जुन उनसे करवाना चाहते हैं पुष्पा 2 की कोरियोग्राफी, जिसके लेकर पुनीत पाठक ने लिया है ब्रेक, नहीं करेंगे इस साल कोई भी शो को जज, बस मूवी पर ही काम कर रहे हैं। वहीं धर्मेश भी ब्रेक पर चल रहे हैं, डांस प्लस सीजन 6 से भी गायब रहे थे धर्मेश, और इंडियाज बेस्ट डांसर के साथ कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट। और बहुत जल्दी ऑन एयर होने वाला है डीआईडी लिटिल मास्टर, जहां राघव है ही नहीं, क्योंकि राघव इज बिजी इन हिज मूवीज, और डीआईडी लिटिल मास्टर में सारे के सारे होंगे नए जजेस, क्योंकि भाई जी को चाहिए कुछ नया मसाला। ऐसे में अब खतरे की घंटी आ पड़ी है डांस प्लस के ऊपर, और मेकर्स का आया है जवाब कि भाई हो सकता है राघव आपको जज की कुर्सी पर बैठे मिले। देखिए, शो को अगर टीआरपी चाहिए तो कुछ ऐसा ही बवाल करना पड़ेगा। देखिए, पिछले साल टीआरपी काफ़ी ज़्यादा कम रही थी और हर बार कुछ ना कुछ नया एलिमेंट डालते थे, जोक्स का एलिमेंट डाला, फिर एक भाभी लेकर आए, और हर साल कुछ ना कुछ टीआरपी में इजाफा ही होता है पिछले साल को छोड़कर। लेकिन इस बार अगर इनको टीआरपी चाहिए तो भाई ये बवाल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि डांस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा शोज आ चुके हैं। देखिए, एक शो की टीआरपी आ रही है मलाइका और टेरेंस के लटको झटकों के जरिए, वहाँ पर लोग दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मलाइका। फिर दूसरा जो शो आया था वहाँ पर धर्मेश हैं, माधुरी हैं, और जितने भी आप देखते हैं रील्स में डांस करते हुए गरीब लोग, वो वहाँ पर दिख जाएंगे, और उनका बाद में कोई भला नहीं होता है, ये बात भी तय है। इंटरव्यू की वीडियो डाल रखी है मैंने, जहाँ पर इंडियाज बेस्ट डांसर से आए हुए एक आर्टिस्ट ने कहा था कि भाई मेरी कोई भी मदद नहीं की गई। अब ऐसे में अगर डांस प्लस चाहता है इन शोज के साथ खुद को खड़ा करना, खुद को स्टैंड करना, सबसे आगे निकलना, तो भैया उनको ये कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसे में राघव का कहना है कि भाई वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अभी हसल आ रही है, उसके बाद वैद्यलोक आएगी, उसके बाद ये युद्वा में भी नजर आएंगे आपको सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ। तो डांस में अगर उनको और आगे जाना है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी डांस की इमेज खत्म होते जा रही है, वो बस एक्टर और होस्ट, एक्टर और होस्ट। लोग डांस के नाम पर राघव को अब कम याद करते हैं, एंटरटेनर के नाम से उनको ज़्यादा जाना जाता है। तो ऐसे में वो डांस जज बनकर डेफिनेटली अपनी ये छवि को बदलना चाहेंगे। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कि आप राघव को चाहते हैं या नहीं एक जज की कुर्सी पर बैठे हुए, या फिर राघव होस्ट ही ठीक है, जैसा आपका मानना है कमेंट्स कीजिए और हमें बताएं। बाकी जो भी आपका मानना है, मेरा तो मानना है कि हाँ यार, एक सीजन देखते हैं, जज करवाते हैं राघव से, क्या रहता है शो, क्या नहीं रहता, कितने टफ जज बन पाते हैं। आप भी कमेंट करें और बताएं कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। और अपडेट्स के लिए, जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको यहीं से मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन दबा ले, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। मैं मिलता हूं कल, तब तक आप सभी को अलविदा।